नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज विद नामदेव में। मैं हूं नीरज गहलोत नामदेव, और आज के इस वीडियो में अपन एक लेटर डिस्कस करेंगे जो होगा भीम ऐप के ऊपर। वैसे आपकी एक कन्फ्यूजन बड़ा पहले ही मैं क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले। अब भीम जो अपनी भीम ऐप है वो अलग चीज़ है, और भीम आधार पे, ठीक है, ये दोनों वर्ड अलग अलग है। आधार पे ये दोनों स्कीम अलग अलग हैं। भीम आधार पे पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, वो भी लेटर है एसएससी से रिलेटेड और अदर एग्जामिनेशन से, तो उसको भी देख लेना। आधार पे जो है व्यापारियों के लिए, मर्चेंट के लिए, स्कैन मशीन पे अंगूठा लगाने वाली स्कीम आधार पे है, और भीम ऐप है। वैसे भीम आधार पे अलग हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई। और भीम ऐप है जो आपके मोबाइल में यूज़ होती है, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर भी सकते हो और ले भी सकते हो। तो ये दोनों कन्फ्यूजन मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा। इसके बाद इस वीडियो में भीम आधार पे के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो दूसरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। भीम ऐप क्या है और इसके ऊपर लेटर कैसे लिखना है वो चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको ये चीज़ तो पता होगी कि अभी एसएससी में मतलब जो लेटर पूछे जा रहे हैं वो भी करंट टॉपिक के हिसाब से पूछे जा रहे हैं, बहुत बार पूछ चुका है। तो इस वजह से मैंने बहुत से लेटर ऑलरेडी बना रखे हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया के ऊपर लेटर कैसे लिखना है मित्र को, और इसके अलावा जो दरवाज़ा बंद अभियान है वो क्या था, और डिजी लॉकर स्कीम क्या थी। ऑलरेडी बहुत से मैंने वीडियो डाल रखे हैं, लेटर प्रोवाइड करवा रखे हैं। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहेगा, आपके आ सकता है ये, जैसे रामपुरा गांव में रह रहे मित्र वीरेंद्र को भारत सरकार के भीम ऐप की खूबियां बताते हुए एक पत्र लिखिए। अब इस क्वेश्चन का एनालिसिस करो, आपका मित्र जो एक गांव में रह रहा है, यानी कि उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा, इस वजह से रामपुरा गांव दिया है उसने, और उसमें वीरेंद्र आपका दोस्त रह रहा है जिसको भीम ऐप की खूबियां बतानी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले लेटर लिखना है आपको मित्र को, तो मित्र को लिखना है, कोई अथॉरिटी को तो लिखना नहीं है, सरकारी अथॉरिटी कोई विभाग को। तो ये हो गए आपके इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। यानी कि आपको लैंग्वेज कौन सी, मित्र के साथ जो यूज़ करते हैं ना लैंग्वेज, हाई हेलो वाली, वो नॉर्मल करनी है इनफॉर्मल अनौपचारिक पत्र में, ठीक है। और बताना आपको गवर्नमेंट की स्कीम भीम ऐप, जब भीम ऐप बताते हो तो आपको एक ऑफिशियल लैंग्वेज के थ्रू सारी डिटेल इसमें इंक्लूड करनी होगी, तभी आप इस चीज़ की खूबियाँ बता पाओगे। तो दोनों मिक्सिंग करके आपको बैलेंस लैंग्वेज रखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं इस लेटर को। तो जैसा कि क्वेश्चन में था, रामपुरा में रह रहे अपने मित्र, यानी कि आपका एड्रेस दिया नहीं है, तो आपको फैक एड्रेस बनाना पड़ेगा, जिसमें आप लिख सकते हो परीक्षा भवन क ख ग डैश करके पिन कोड नंबर 000, जो भी आपको प्रोवाइड हो लिख दो, या 00 लिख सकते हो। इसके अलावा अब डेट या तो यहाँ पे लिख दो या एक लाइन छोड़ के लिखो, कोई मैटर नहीं है। हर वीडियो में बताता हूँ मैं आपके, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है। इसके अलावा बहुत वीडियो में आपके दूसरे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे ये जो कॉमा यूज़ किया हुआ है परीक्षा भवन और ये इसके आगे, तो ये कॉमे भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो आप करो या नहीं करो, दोनों फॉर्मेट वैलिड है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, मैटर ये चीज़ रखता है आप डेट किस फॉर्मेट में लिख रहे हो। जैसे कि 29 जून 2018, अब ये जो कॉमा है ये आप नहीं हटा सकते, ये भले हटा सकते हो, ये हटा सकते हो, लेकिन ये वाला कॉमा यू हटा नहीं सकते, ठीक है। और दिनांक के आगे ये डॉट है तो ये भी नहीं हटा सकते, तो वो चीज़ आपको ये वाले मैटर नहीं रख के, बाकी दूसरी चीज़ें लाइनिंग वगैरह छोड़ना वो मैटर रखेगी, ठीक है। तो अब ये हर बार मैंने मतलब हर स्टेप में ये चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, पहले मैंने क्लियर कर दी, कोई भी एक पैटर्न फॉलो करो, परीक्षा भवन कॉमा क ख ग और 00 पिन कोड, ठीक है। उसके बाद या तो डेट यही से लिखो या एक लाइन छोड़ के लिखो, मैंने एक लाइन छोड़ के लिखी है, दिनांक 29 जून 2018, ठीक है। वापस एक लाइन अब कंपल्सरी छोड़नी है, उसमें आपका छोड़ो या मत छोड़ो वो वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, आपको उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, क्योंकि यहाँ पे हो गया आपके सेंडर का एड्रेस कंप्लीट। अब आता है रिसीवर, रिसीवर का एड्रेस इनफॉर्मल अनौपचारिक पत्र में नहीं लिखा जाता, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ओनली आपको उसका जिसको भेज रहे हो इनफॉर्मल अनौपचारिक में ओनली उसका नाम आएगा, अगर दे रखा है तो। उसमें वीरेंद्र नाम दिया था इसलिए मैंने प्रिय मित्र वीरेंद्र लिखा, अगर नाम नहीं दे रखा होगा तो प्रिय मित्र करके मैंने यही पे कॉमा यूज कर देना है, ठीक है। इसलिए पूरा नाम दिया इसलिए मैंने उसका नाम भी इंक्लूड किया, तो प्रिय मित्र वीरेंद्र कॉमा सप्रेम नमस्ते, उसके बाद एक अ खड़ीपाई करनी है, ठीक है। ये खड़ीपाई सभी कंपलसरी, अभी जो भी बता रहा हूँ वो चीज़ कंपलसरी है। अब यहाँ से आती है आपकी मेन बॉडी पार्ट, जिसमें आपको हाई येलो करना है उसको स्टार्टिंग में। हम सभी यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं, आप सभी की कुशलता के लिए परमपिता परमात्मा से नेक चाहते हैं। अब ये मैंने एक भगवान की मतलब रिक्वेस्ट की है, आपकी भी कुशलता रहे, तो ये मैंने अलग तरीके से लिखा।
वैसे हम यहाँ पे कुशल है और तुम भी वहां पे कुशल होगे, ये तो नॉर्मल चीज हो गई, सभी लिखेंगे, आपको थोड़ा हटके लिखना है। हम सभी यहाँ कुशल पूर्वक है और आप सभी की कुशलता के लिए परम पिता परमात्मा से नेक चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने को लिखना है, अब रामपुरा गांव है तो गांव में कौन नहीं जाना चाहता, इसलिए अपनी इच्छा जाहिर कर दो ना। और बहुत मन कर रहा था कि रामपुरा में आकर कुछ दिन बिताऊं तथा कुछ बातें साझा करूं, वैसे तुम्हारा पत्र मिले काफी समय हो गया, ठीक है। इतना कहने के बाद अपनी इच्छा जाहिर कर दी गांव पर रहने की, और पत्र भी नहीं मिला, उसके बारे में भी बता दिया उसको कि तुम्हारा पत्र काफ़ी दिन से नहीं मिला है। फिर वापस अपने को अब मेन टॉपिक पर आ जाना, भीम ऐप की जो खूबियाँ है उसके ऊपर, ठीक है। मित्र हर बार की तरह इस बार भीम है नवीन तकनीक की सूचना साझा करते हुए भारत सरकार के दिसंबर 2016 में लॉन्च किए गए भीम एप्लीकेशन की खूबियाँ बताना चाहूँगा। अब ये हर बार की तरह इस बार भी मैं नवीन तकनीक के बारे में जो भी है, जो अब ये मैंने आगे चीज़ लिखी है, तो इसके मतलब ये है कि ये फ्रेंड हर जो रह रहा है फ्रेंड, वो रामपुरा वाले गांव को हर बार किसी किसी नवीन तकनीक के बारे में बताता है, इसलिए मैंने ये सेंटेंस यूज़ किया, हर बार की तरह इस बार भी मैं नवीन तकनीक में बताते हुए भीम ऐप की खूबियाँ बताऊँगा। तो ये आपकी सिचुएशन क्रिएट करने की थोड़ी एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी टॉपिक दे आपको और आप एक रियलिटी के साथ उसको प्रेजेंट करो, ठीक है। उसके बाद जाहिर कर दिया, अब उस भीम ऐप की खूबियाँ क्या है तो उसको अलग पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखो, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर इस एप्लीकेशन का नाम रखा गया है, जिसकी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं, जैसे इस ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल, ये इंस्टॉल वापस आपको क्लियरली मैं बता देता हूँ, आपको इंस्टॉल ये ऐसे लिखना है, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से लिख देना, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। मोबाइल में इंस्टॉल कर इससे कभी भी ई पेमेंट का भुगतान व प्राप्ति सीधे बैंक खाते में कर सकते हैं। तो भीम ऐप की ऑलरेडी स्कीम है जिसमें आप पेमेंट कर भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो सीधे आपके बैंक अकाउंट में, आपके मोबाइल के ऐप के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अपने को बताना है सबसे बड़ी खूबी इसमें, इसमें कोई पासवर्ड आपको डिजिट लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें अशिक्षित व्यक्ति भी अंगूठा मोबाइल पर प्रेस करके भीम ऐप में पेमेंट और रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये अंगूठा वाली बात आपको बतानी चाहिए जिससे अशिक्षित व्यक्तियों को बड़ा फायदा होने वाला है इससे। इससे अपना अंगूठा भी कूट शब्द, यानी कि पासवर्ड बोलते हैं कूट शब्द को, ठीक है, इससे अपना अंगूठा भी कूट शब्द की तरह काम करता है, जिससे अनाधिकृत व्यक्ति बेईमानी करना असंभव है। अब आपके थंब इम्प्रेशन है वो सबसे हाई सिक्योरिटी मानी जाती है आपके मोबाइल्स की, ठीक है। तो उस तरीके से भीम ऐप में भी आप जब अंगूठा प्रेस करोगे तो आपके सीधा आधार से बैंक लिंक होता है, और जब आधार कार्ड बनाते हो तो आपके थंब इम्प्रेशन होता है, इससे कनेक्टिविटी हो जाती है आपके थंब इम्प्रेशन की, जिसको दूसरा कोई अनाधिकृत व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। अब आप एक एप्लीकेशन में जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 29/11 जो भी आप डेट ऑफ बर्थ लिखते हो, और वही आपकी अगर किसी दूसरे ने डेट ऑफ बर्थ देख ली और तो वो अनाधिकृत व्यक्ति आपके मोबाइल में डेट ऑफ बर्थ डाल के वो भी यूज़ कर सकता है, लेकिन थंब इम्प्रेशन ऐसी फैसिलिटी है जिसको दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। सबसे बढ़िया इस ऐप की ये चीज़ थी जो भी मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब अंगूठा के बाद एक इस ऐप की और खूबी थी जिसमें बगैर इंटरनेट की भीम ऐप को भी यूज़ किया जा सकता है, जिसमें आपके पास भले इंटरनेट है या नहीं है कोई मैटर नहीं रखता, आप भीम ऐप को यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ अपने को बतानी है। सबसे महत्वपूर्ण, भले ही इस हमारे मोबाइल में अंतरजाल बोलते हैं इंटरनेट को, ठीक है, अंतरजाल संयोजकता नहीं है, संयोजक इंटरनेट कनेक्टिविटी बोलते हैं ना उसको अंतरजाल संयोजकता बोलते हैं, प्योर हिंदी वर्ड है जो यूज़ करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, भले ही हमारे मोबाइल में अंतरजाल संयोजकता नहीं है तब भी *99 हैज नंबर पर भीम ऐप की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। अब या तो आपके पास इंटरनेट है तो आप प्ले स्टोर से मोबाइल से भीम ऐप डाउनलोड करके सारी फैसिलिटी ले सकते हो, या मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो सिंपल सा *99 हैज करके सारे आपसे आपसे ऑप्शन पूछेगा, उसमें ऑप्शन बता के आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसी खूबियों की वजह से इसका नाम भीम अर्थात भारत इंटरफेस फॉर मनी रखा गया। अब मैंने इसका नाम बताया किस तरीके से भीम ऐप का नाम रखा था, आपको पता होगा BHIM ये नाम रखा था इसका, तो BH का मतलब हो गया कहाँ पर गया भारत, ठीक है, और IM का मतलब हो गया इंटरफेस और M का मतलब मनी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम रखा गया था, जो चीज़ मैंने इसमें ऑलरेडी क्लियर कर दी ढंग से। और वापस अपने को जिक्र करना है कि आप इस सुविधा का प्रयोग करोगे, ठीक है, रामपुरा वाले मित्र को आशा करनी है, मतलब आशा की जाएगी अपनी तरफ से रामपुरा मित्र वाले को
आशा है कि तुम भीम ऐप की सुविधा का प्रयोग कर भारत सरकार के डिजिटल इंडिया सपने को साकार बनाने में अपनी भागीदारी होगे। इसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज़ इंक्लूड की है, अब भीम ऐप को डिजिटल इंडिया के तहत एक ऐप लॉन्च किया गया था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल थ्रू में पेमेंट करवाना था लोगों से, ठीक है, भारत सरकार का। तो वो चीज़ मैंने इसमें मेंशन कर दी कि डिजिटल इंडिया को सपने को भारत सरकार को सपने को साकार करने में तुम्हारी भागीदारी दोगे, यानी कि इस ऐप को यूज़ कर दो है। उसके बाद सिंपल सा या तो तुम्हारा प्रिय कुछ ऐसे वैसे लिख सकते हो, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा प्यारा मित्र, ठीक है, और सबसे बढ़िया वर्ड ये रहता है तुम्हारा वही नटखट मित्र, यानी कि पुराना दोस्त है तो आप इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हो तुम्हारा वही नटखट मित्र यर ल, और इस तरीके से अपने को एंड करना है। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपके जो YouTube पे ओपन करते जो होम पेज आता है, होम पेज पर मेरे वीडियो आते रहेंगे, यानी कि सिंपल सा मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुँचती रहेगी। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आप हमसे जुड़ सके, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इस चैनल से। थैंक्स वंस अगेन।